Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Karnataka Engineering Research Policy. हम जानेंगे कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी के बारे में. कर्नाटका हैड लॉन्च द कंट्री मेडन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी. कर्नाटका ने लॉन्च किया है कंट्री का मेडन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी. हाईलाइट ऑफ द न्यू पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी है उसके बारे में हम समझेंगे. इस सिक्स टू रेज कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर इन द कंट्री टू 45% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स. ये क्या करेगा, रेज करेगा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर पे कंट्री में 45% तक नेक्स्ट 5 ईयर में. इट हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट ओवर 50,000 जॉब इन द ER&D स्पेस इन 5 ईयर्स. इसका पोटेंशियल है कि वो क्रिएट कर सकता है 50,000 जॉब ER&D सेक्टर में 5 सालों के अंदर. द पॉलिसी एम्स टू प्रिपेयर द स्टेट टू मेक यूज ऑफ द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी इमेनेटिंग फ्रॉम दिस सेक्टर. इस पॉलिसी का मकसद है कि यह तैयार करे स्टेट को ताकि वो यूज कर सके फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का, इमेनेट करे इस सेक्टर के लिए. इट हैज आइडेंटिफाइड 5 की फोकस सेक्टर सच एज एरो स्पेस एंड डिफेंस, ऑटो, ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, ESDM एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. इसने आइडेंटिफाई किया है 5 की फोकस सेक्टर को, जैसे कि आपका एरोस्पेस और डिफेंस हो गया, ऑटो, ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज हो गया, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम, ESDM हो गया और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. सिग्निफिकेंस क्या है ER&D का. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एपेक्स बॉडी नेस्कॉम, ER&D हैज द पोटेंशियल टू बिकम $100 बिलियन इंडस्ट्री इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर. जो इंडस्ट्री एपेक्स बॉडी है नेस्कॉम, उसके अनुसार ER&D का पोटेंशियल है वो बन सकता है $100 बिलियन का इंडस्ट्री कंट्री का नेक्स्ट 5 ईयर में. द ER&D सेक्टर इन द कंट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री विथ ए CAGR ऑफ 12.8%. मीनवाइल द ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच ए स्पेंड ऑफ $2 ट्रिलियन बाई 2025. जो ER&D सेक्टर है कंट्री का वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसका CAGR 12.8% है. साथ साथ ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पहुंच जाएगा इसके लिए स्पेंडिंग $2 ट्रिलियन तक 2025 आने तक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर वॉलंटियर स्कीम. तो हम जानेंगे साइबर वॉलंटियर स्कीम के बारे में. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स साइबर क्राइम वॉलंटियर प्लान टारगेट टू रोप इन अराउंड 500% टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट फॉर इम्प्रूवमेंट इन द साइबर क्राइम इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने साइबर क्राइम वॉलंटियर प्लान इनिशिएट किया जो कि टारगेट करेगा, रोप करेगा अराउंड 500% को कि वो फ्लैग करे अनलॉफुल कंटेंट को इंटरनेट के ऊपर और इम्प्रूव करे साइबर क्राइम इकोसिस्टम के लिए भारत में. द प्रोग्राम विल इंक्लूड 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर एंड 50 साइबर एक्सपर्ट. ये जो प्रोग्राम है वो इंक्लूड करेगा 200 साइबर अवेयरनेस प्रमोटर को और 50 साइबर एक्सपर्ट होंगे उसमें. द प्रोजेक्ट इज नोन एज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इस प्रोजेक्ट को जाना जा रहा है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम से, I4C. इट वॉज स्टार्टेड इन मिलिटेंसी हिट जम्मू एंड कश्मीर लास्ट वीक वेयर द पुलिस इश्यू अ सर्कुलर आस्किंग सिटीजन टू रजिस्टर देमसेल्फ एज वॉलंटियर. इसको स्टार्ट किया गया है मिलिट्री हिट जम्मू एंड कश्मीर रीजन में लास्ट वीक, जहां पर पुलिस ने इश्यू किया एक सर्कुलर और पूछा है सिटीजन से कि वो रजिस्टर करे खुद को एक वॉलंटियर के तौर पर. द वॉलंटियर आर बैर फ्रॉम इश्यूइंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट दियर एसोसिएशन विद दिस प्रोग्राम एंड आर ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और क्लेम टू हैव एन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री और एनी सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म. जो वॉलंटियर उनको बैर किया गया है कि वो नहीं इश्यू करेंगे कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट इस एसोसिएशन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाएगा उनको कि वो नाम नहीं लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो कोई क्लेम नहीं करेंगे कि वो एसोसिएशन रखते हैं मिनिस्ट्री से किसी भी सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर. न्यूज में क्यों आया, द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है डिजिटल लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटन टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट साइबर वॉलंटियर स्कीम विल लीड टू अ कल्चर ऑफ सर्विलेंस एंड कॉन्स्टेंट सुपर सस्पिशन इन सोसाइटी क्रिएटिंग पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो कि एक डिजिटल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि जो साइबर वॉलंटियर स्कीम है वो क्रिएट कर देगा एक कल्चर ऑफ सर्विलेंस और कॉन्स्टेंट सस्पिशन सोसाइटी पे, जिसका परिणाम ये होगा कि ये पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट क्रिएट करेगा. कॉन्सर्न क्या है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ द मिनिस्ट्री विल इंश्योर दैट स्कीम इज नॉट मिसयूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिसगाइडेड पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेटा. देयर इज ऑल्सो नो प्रोसेस इन प्लेस फॉर विदड्रॉवल ऑफ कंप्लेन वंस सबमिटेड. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि किस तरीके से मिनिस्ट्री इंश्योर करेंगे कि ये जो स्कीम है वो मिसयूज नहीं किया जाएगा एक्सट्रैक्ट मिसगाइडेड पर्सनल के द्वारा या पॉलिटिकल वेंडेटा के द्वारा, और कोई प्रोसेस नहीं है जो कि विड्रॉ करेगा कंप्लेन को एक बार अगर सबमिट कर दिया जाता है तो. ये सारी चिंता इससे रिलेटेड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना साइबर आई एंड इंडिया.
जो चाइना का साइबर आई है, साइबर फ्रॉड है, और उससे रिलेटेड भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम कंसिडर करेंगे। एमिस सोर्सिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना लास्ट ईयर एविडेंस हैज इमर्ज दैट चाइनीज गवर्नमेंट इंक कंपनी अटेम्प्ट लेड टू अ पावर आउटेज इन मुंबई एंड रिसेंटली इन तेलंगाना। जो इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन खराब हुआ था लास्ट ईयर, एविडेंस पाया गया है, इमर्ज हुआ है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो लिंक कर रहा है कंपनी अटेम्प, जिसके कारण पावर आउटेज हुआ था मुंबई पे और अभी हाल ही में तेलंगाना पे। रेड इको एंड सैडोपैड, रेड इको और सैडोपैड है क्या? ऑन फरवरी 28 मैसाचुसेट्स बेस्ड फिल्म पब्लिश अ रिपोर्ट सेइंग इट हैज ऑब्जर्व अ स्टीप राइज इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मालवेयर बाय चाइनीज ग्रुप कॉल्ड रेड इको। फरवरी 28 को मैसाचुसेट्स बेस्ड फिल्म पब्लिश किया था एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्टीप राइज यूज ऑफ रिसोर्सेज लाइक मालवेयर का चाइनीज ग्रुप रेड इको के द्वारा। इट एम टू टारगेट ए लार्ज स्वेट ऑफ इंडियन पावर सेक्टर, इसका एम था टारगेट करना लार्ज स्वेट ऑफ इंडिया पावर सेक्टर को। इट से 10 डिस्ट्रिक्ट इंडियन पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वे आर टारगेटेड इंक्लूडिंग 4 रीजनल लोडेड डिस्पैच सेंटर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द कंट्रीज पावर ग्रिड बाय बैलेंसिंग द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बताया गया कि 10 डिस्ट्रिक्ट इंडियन पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया गया था, जिसमें 4 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर भी थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे स्मूथ ऑपरेशन के लिए कंट्री के पावर ग्रिड को और बैलेंस करते थे ये सप्लाई और डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। रेड इको यूज मालवेयर कॉल्ड सैडोपैड विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ बैकडोर टू एक्सेस सर्वर। रेड इको यूज मालवेयर जो है उसको हम सैडोपैड भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व करता है, ये यूज करता है बैकडोर को एक्सेस करने के लिए सर्वर्स को। इंडिया कन्फर्म साइबर अटैक, इंडिया ने भी कन्फर्म किया है साइबर अटैक को। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज कन्फर्म दिस अटैम्प स्टेटिंग इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड इन नवंबर 2020 अबाउट द सैडोपैड मालवेयर एट सम कंट्रोल सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कन्फर्म किया है इस अटैम्प्ट को, उन्होंने कहा है कि नवंबर 2020 पे सैडोपैड मालवेयर जो है इसका इंपैक्ट पड़ा था कुछ सेक्टर पे। द मिनिस्ट्री सेड इट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ रेड इको अटेम्प्ट टू टारगेट द कंट्री लोड डिस्पैच सेंटर इन फरवरी। मिनिस्ट्री ने कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन मिला था रेड इको के अटेम्प्ट को लेकर भी कि वो टारगेट करेंगे कंट्री के लोड डिस्पैच सेंटर को। इट हैड सेड नो डाटा ब्रिज डाटा लॉस हैड बीन डिटेक्टेड ड्यू टू द इंसिडेंट। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी डाटा ब्रिज या डाटा लॉस नहीं डिटेक्ट किया गया है इस इंसिडेंट में। इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा? दिस इज क्लियरली समथिंग दैट इज इंक टू चाइना जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट। ये क्लियरली कुछ ऐसा है जो कि लिंक्ड है चाइना के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट है। इट इज एस्टेब्लिश वेरी क्लियरली दैट द यूज ऑफ साइबर ऑफेंसिव टूल्स एंड स्पाइनेज इज अ फेयरली एक्टिव एलिमेंट ऑफ वॉट द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना सीम्स टू बी अडॉप्टिंग एंड इनकरेजिंग। ये एस्टेब्लिश हो गया और काफी क्लियर है कि यूज करना साइबर ऑफेंसिव टूल्स का स्पाइनेज का एक फेयरली एक्टिव एलिमेंट बन चुका है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए, और वो इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और इनकरेज भी कर रहे हैं। Even when they are not directly in charge of an offensive operation, they seem to be consistently encouraging actors to develop this capability. तो वो directly in charge नहीं है offensive operation के लिए, उसके बाद भी वो consistently encourage कर रहे हैं वैसे actors को कि वो develop करे इस capability को। PRC long term strategy, जो People Republic of China का long term strategy है। This cyber attack are seen as an attempt to test and lay the ground for further operation in the future. ये जो cyber attack है इसको देखा जा रहा है एक attempt के तौर पर test के लिए, और ये ground तैयार कर रहा है further operation के लिए future का। We need to remember that something this offensive operation are carried out to distinct people from other places that they might be targeting or other activity that might be occurring. हम लोग को remember करना हो कि जो ये offensive operation है जो कि carry किया जा रहा है distract करने के लिए people को other places में, ये target करेंगे other activity को भी जो कि future में हो सकता है। There was an increase in cyber offensive operation and incident around the world in the second half of 2020, especially targeting the healthcare and vaccine space. और काफी ज्यादा बड़ा है केसेस साइबर ऑफेंसिव ऑपरेशन का इंसिडेंट का पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाफ ऑफ 2020 पे, और स्पेशली ये टारगेट कर रहा था हेल्थ केयर और वैक्सीन स्पेस को। व्हेन वैक्सीन कंपनी आर टारगेटेड अ मोटिव कुड बी कंपटीशन, और जब वैक्सीन कंपनी को टारगेट किया गया तो इसका क्लियरली मोटिव है कि कंपटीशन के कारण। द मोटिवेशन बिहाइंड स्टोन पांडा अटैक अगेंस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक आईटी सिस्टम वाज टू एक्सट्रैक्ट द कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड गेन ए कंपेटिटिव एडवांटेज। जो मोटिवेशन था स्टोन पांडा का जो अटैक हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम पे, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और गेन करना चाहते थे कंपेटिटिव एडवांटेज को। अदर सच अटैक स्टोन पांडा एंड वैक्सीन, जो अदर सच अटैक था स्टोन पांडा और वैक्सीन का मूल समझेंगे। अ चाइनीज हैकर ग्रुप नोन एज स्टोन पांडा हैज आइडेंटिफाइड गैप्स एंड वल्नरेबिलिटी इन द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर ऑफ भारत बायोटेक एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो चाइनीज हैकर ग्रुप था जिसको कि हम स्टोन पांडा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था गैप्स को और वल्नरेबिलिटी को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर पे, भारत बायोटेक का और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का।
This company had developed Covaxin and Covishield, which are currently being used in the national vaccine campaign. ये जो कंपनी है इन्होंने डेवलप किया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को, जो कि करेंटली यूज किया जा रहा है नेशनल वैक्सीन कैंपेन में. दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एडिशनल कोविड 19 वैक्सीन दैट कुड एड वैल्यू टू एफर्ट अराउंड द वर्ल्ड. अब वो प्रोसेस में टेस्ट कर रहे हैं एडिशनल कोविड 19 वैक्सीन को भी, जो कि एड करेगा वैल्यू इनके एफर्ट को अराउंड द वर्ल्ड के लिए. तो ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल मैटर है कि जो चाइना का जो अटैक है, साइबर अटैक, तो किस तरीके से हैम्पर कर सकता है. तो आईटी सेक्टर को इन्हेंस करने की आवश्यकता है. ये डिफेंडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020. हम जानेंगे साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के बारे में. गवर्नमेंट फाइनलाइज है ड्राफ्ट फिफ्थ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020. गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है ड्राफ्ट फिफ्थ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का. STI साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डेवलपमेंट बैंक विल डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सेलेक्ट स्ट्रेटेजिक एरियाज. जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डेवलपमेंट बैंक है वो डायरेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट स्ट्रेटेजिक एरियाज में. फॉर लार्ज स्केल मिशन मोड प्रोग्राम रूल्स ऑफ लेंडिंग विल बी मॉडिफाइड फॉर एन इजियर फ्लो ऑफ फाइनेंस. और लार्ज स्केल मिशन मोड प्रोग्राम के लिए रूल्स ऑफ लेंडिंग को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इजियर फ्लो हो सके फाइनेंस का. स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इज टू बी सेटअप फॉर होम ग्रो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इन एरियाज सच एज न्यूक्लियर साइंस, स्पेस, साइबर टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसको सेटअप किया जाएगा होम ग्रो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए वैसे एरिया जैसे कि आपका न्यूक्लियर साइंस हो गया, स्पेस हो गया, साइबर टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया. दिस फंड इज मैनेज बाय स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड. और ये जो फंड है इसको मैनेज किया जाएगा स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस टू द प्राइवेट सेक्टर एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च विद स्पेसिफिक गोल. ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उनके रिसर्च के लिए और स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए. एंड एंगेजमेंट पोर्टल एक्सक्लूसिवली टू ब्रिंग टूगेदर इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट वर्ल्ड वाइड एंड टू एंगेज विद इंडियन रिसर्चर इज बींग प्लान. एक एंगेजमेंट पोर्टल जो कि एक्सक्लूसिवली लाएगा एक साथ इंडियन साइंटिस्ट को, टेक्नोक्रेट को वर्ल्ड वाइड, और एंगेज करेगा इसको इंडियन रिसर्चर्स के साथ, ये प्लान किया गया है. साइंस डिप्लोमेसी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिफाइनिंग फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी विल बी वाइटलाइज. अपार्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिप्लोमेटिक बेनिफिट, डिप्लोमेसी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज टू बी प्रमोटेड. तो साइंस डिप्लोमेसी है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि डिफाइन करता है फॉरेन पॉलिसी के प्रायोरिटीज को, इसको वाइटलाइज किया जाएगा. साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिप्लोमेटिक बेनिफिट, डिप्लोमेटिक फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसको भी प्रमोट किया जाएगा. जैसा कि अभी आप लोगों ने हाल में देखा है कि इंडिया ने जो लॉन्च किया था अमेजोनिया 1 ब्राजील का जो था सैटेलाइट, उसको ये आप देख सकते हैं STIP साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रमोशन 2020. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो हम जानेंगे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में. द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इज 9 फाउंडेशन डे एज इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 9th फाउंडेशन डे हेडक्वार्टर पे अपने न्यू दिल्ली पे. LPAI इज ए स्टेटूटरी बॉडी स्टेब्लिश अंडर द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010. लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको स्टेब्लिश किया गया था अंडर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के अंतर्गत. इट डेवलप्स, सैनिटाइजेस एंड मैनेज द फैसिलिटी फॉर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स एट डेजिग्नेटेड पॉइंट अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया. ये डेवलप करता है, सैनिटाइजेस करता है, मैनेज करता है जो फैसिलिटी है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का, पैसेंजर और गुड्स का डेजिग्नेटेड पॉइंट में, साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए भारत का. LPAI में पुट इन प्लेस सिस्टम विद एड्रेस सिक्योरिटी इंपेरेटिव एट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन द बॉर्डर. लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पुट इन करता है प्लेस सिस्टम को जो कि एड्रेस करता है सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में बॉर्डर के. इट हैज पावर टू मैनेज वेरियस एक्टिविटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा एट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. इसके पास पावर है कि वो मैनेज कर सकते हैं वेरियस एक्टिविटी को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के, कम्युनिकेशन के, सिक्योरिटी के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में. इट कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, पीपल एंड गुड्स एट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट विद ड्यू रिगार्ड टू द लॉ, सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ व्हीकल को, पीपल को, गुड्स को इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में, साथ साथ जो लॉ है, सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. इट कैन डेवलप एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अंडरटेक ऑपरेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. ये डेवलप करता है, प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी को, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट सर्विसेज को, और अंडरटेक करते हैं ऑपरेशन भारत और अब्रॉड रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेस रिपोर्ट. हम जानेंगे वर्ल्ड फॉरगॉटन फिशेस रिपोर्ट के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय 16 ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन नियरली 1/3 ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन. जो ये रिपोर्ट है इसके अनुसार 16 ग्लोबल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
नियरली थर्ड ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश जो है वो थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्शन के कगार पे है। ऑफ द 80 फ्रेश वाटर स्पीसीज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट एज मेनी एज 16 फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज विल डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन 2020 अलोन। जो 80 फ्रेश वाटर स्पीसीज जिसको कि डिक्लेयर किया गया एक्सटिंक्ट, उसमें 16 फ्रेश वाटर स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए है 2020 में ही। द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश फेल 76% सिंस 1970, डेट ऑफ मेगा फिश बाई 94%। जो पॉपुलेशन है माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश का वो गिरा है 76% तक सिंस 1970 से, और मेगा फिश का 94%। प्रेशर ऑन ग्लोबल फ्रेश वाटर फिश पॉपुलेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, पुअरली प्लान डैम्स, ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ क्राइम, क्लाइमेट चेंज, रिलीजिंग वेस्ट वाटर एंड ड्रेनिंग वेटलैंड। जो प्रेशर है ग्लोबल फिश वाटर फिश पॉपुलेशन के ऊपर वो क्या क्या है, तो हैबिटेट का उनका डिग्रेडेशन हुआ है, हम लोगों ने पुअरली प्लान डैम बनाया इस कारण भी डिक्रीज हुआ है, ओवर फिशिंग, पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ क्राइम, क्लाइमेट चेंज, रिलीजिंग वेस्ट वाटर और ड्रेनेज वेटलैंड, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। That World Wildlife Fund has called on all government to back the implementation of global emergency recovery plan for fresh water biodiversity. और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने बोला है सारे गवर्नमेंट को कि वो बैक करें इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल इमरजेंसी रिकवरी प्लान का फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।